हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज राघव अशोक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ एक मेमोरी कार्ड की, जो कि सैंडिस्क का है और ये मैंने पेटीएम मॉल से ऑर्डर किया था। तो मैंने ऑर्डर किया था इसको दो दिन पहले, दो दिन के बाद इनकी डिलीवरी यहाँ पे हो चुकी है और मेरे पास मेमोरी कार्ड आ चुका है। दोस्तों, पैकेट फटा हुआ आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो होता है ना कई बार, जैसे डिलीवरी मैन जो होता है बीच में, वो अपने जो प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं उसको कई बार एक्सचेंज कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो उस चक्कर में मैंने उस डिलीवरी मैन के आगे ही इस पैकेट को खोला था और चेक किया था बस खाली मेमोरी कार्ड को कि वो है कि नहीं है, बाकी और कुछ भी अब तक मैंने नहीं छेड़ा है। बाकी मैंने पेटीएम मॉल से मंगाया है, तो मैंने ये दो दिन पहले ऑर्डर किया था, तो सही टाइम पे ये डिलीवर हो चुका है। वैसे इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी डिलीवर करने की, वो थी कल की, यानी कि 10 अगस्त की, तो ये आज मेरे को 9 अगस्त को दोपहर को मिल चुका है। तो अब मैं इसकी आपको एक अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग तो खैर, सॉरी कैमरा का फोकस थोड़ा हिल गया था। अनबॉक्सिंग तो खैर मैंने कर दी है इसकी। ये कुछ यहाँ पे पैकेट के आगे लिखा है, एट पेटीएम मॉल योर ट्रस्ट इज फॉरमोस्ट, सेफ एंड सिक्योर, 100% वेरीफाइड, फास्ट एंड एश्योर्ड। दोस्तों, मेरे हिसाब से ना अमेजोन वगैरह से बढ़िया है पेटीएम, बस थोड़ा इन पर प्रोडक्ट वगैरह की वेराइटी कम है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जा रहा है, फ्लिपकार्ट ही बेटर है, अमेजोन मेरे हिसाब से बेटर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब उन्होंने फोन वगैरह पे भी ईएमआई करना बंद कर दिया है। बजाज फाइनेंस से अब कोई भी फोन की ईएमआई नहीं करते हैं, सीधा उनके क्रेडिट कार्ड से करते हैं। बाकी मेरे को पेटीएम वगैरह का थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ सामान लाना, क्योंकि यहाँ पे ना दो दिन के अंदर फास्ट डिलीवर हो जाता है। उनके प्राइम में दो दिन का होता है, यहाँ पे जो इनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है पेटीएम वालों की, वो दो दिन की होती है। तो वो पेटीएम मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, और आपके सीधा बैंक अकाउंट से लिंक होता है पेटीएम, तो वहीं से ही वो कैश अपने काट लेता है। तो अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ, जो मैंने मेमोरी कार्ड आपको मंगाया है। गाइज, ये है वो मेमोरी कार्ड, सैंडिस्क अल्ट्रा माइक्रो SDHC UHS 1 कार्ड। दोस्तों, 16 GB का है। इसकी स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 98 MBPS, और दोस्तों जो इसकी मिनिमम स्पीड है वो है 10 MBPS, क्योंकि क्लास 10 मेमोरी कार्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ पास से करके, आपको दिख रहा है मेमोरी कार्ड पे लिखा हुआ है क्लास 10 A1, तो ये क्लास 10 है, यानी कि इसकी जो मिनिमम जो स्पीड आएगी वो आएगी 10 MBPS की, और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड आएगी वो आएगी 98 MBPS per second। बाकी इसके पीछे इसके कुछ फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, A1, यानी कि जो इसमें A1 का मतलब ये होता है कि जो आपको ऐप परफॉर्मेंस मिलेगी इसमें वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। और दोस्तों, मैंने क्लास 10 इसलिए मंगाया क्योंकि ये ना फुल HD वीडियो जो हम रिकॉर्ड करते हैं अपने कैमरे से, तो आप नॉर्मल मेमोरी कार्ड उसको यूज़ करोगे तो उसमें क्या होता है कुछ फ्रेम्स ना आपके ड्रॉप हो जाते हैं, तो उस वजह से मैंने नॉर्मल मेमोरी कार्ड नहीं खरीदा। बाकी मैंने फुल HD वीडियो इसलिए मैंने शूट करने के लिए ये वाला मेमोरी कार्ड खरीदा है, क्योंकि इससे फुल HD वीडियो इजीली शूट हो जाती है, उनसे भी हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि उनसे नहीं होंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये रहेगा कि आपकी जो कुछ ही फ्रेम्स वगैरह ना आपके ड्रॉप नहीं होंगे या कुछ छूटेगा नहीं। बाकी ये A1 है, A1 फॉर फास्टर मोबाइल ऐप परफॉर्मेंस, बाकी सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। बाकी आप देख रहे हो ना ये सब इसके पीछे की डिटेल्स वगैरह है, मैं एक बार जरा फोकस कर देता हूँ। 375 रुपये का ये मेमोरी कार्ड पड़ा मेरे को, 375 इसका MRP प्राइस है, मेरे को और कम का पड़ा। यहाँ पे ये मेरे को मेमोरी कार्ड पड़ा 300 रुपये का, 300 वैसे 350 रुपये का था पेटीएम पर, 300 रुपये का ऐसे पड़ा क्योंकि इस पर एक कैशबैक था 48 रुपीज़ का। तो जब मैंने उसको अप्लाई करा तो जब ये जैसे ही मेमोरी कार्ड बुक हुआ वो मेरे को कैशबैक मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो गया। बाकी ये सब है, बाकी इसमें आपको वन ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, लेकिन वो वारंटी कंपनी की तरफ से, पेटीएम मॉल की कोई वारंटी नहीं मिलती आपको, कंपनी की तरफ से है। सैंडिस्क के शायद नेहरू प्लेस वगैरह में है ऑफिस वगैरह, तो आप वहाँ पे जाके अगर कुछ खराबी वगैरह होती है तो आप वहाँ से आके रिप्लेस इसको करा सकते हैं। बाकी और कुछ ज़्यादा खास तो लिखा नहीं है इसमें, माइक्रो SDHC 1 है, A1 परफॉर्मेंस के साथ, और मेड इन चाइना, फैब्रिक इन चाइना वगैरह इसे लिखा रहा, चाइना में बनाया गया, ये क्लास 10 है, ये 10 ईयर वारंटी मिलती है इसके साथ, सॉरी 1 ईयर बोला था मैं, 10 ईयर वारंटी। तो काफ़ी अच्छा मेमोरी कार्ड है, अगर आपको अपने फ़ोन में किसी भी मेमोरी कार्ड को अच्छा अपनी स्टोरेज वगैरह को बढ़ाना है ना, तो आप ये वाला मेमोरी कार्ड प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेमोरी कार्ड है, क्लास 10 का है, 16 GB, A1, HC1 है ये, SC1 का मतलब होता है कि 2 GB से लेकर 128 GB ऐसे कुछ होता है, 64 GB ऐसी कुछ होता है। और इसके बाद आते हैं फिर USC, वो और ज़्यादा के होते हैं। तो अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ, तो अब इसको खोलते हैं। बाकी इसके ये कुछ और फंक्शंस हैं,
वाटर प्रूफ, टेम्परेचर प्रूफ, शॉक प्रूफ, एक्सरे प्रूफ, बाकी ये सब आपको पेटीएम वालों ने बता दिया होगा जब आप इसको खरीदेंगे। वैसे मैं आपको इसके खरीदने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं इसको खोलता हूं, अगर आपको दिखाता हूं पास से इसको कैसा है। गाइस अब मैंने इसको ओपन कर लिया है, ऊपर का इसका फाड़ के, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे इंस्ट्रक्शन थी, यहाँ से कैंची से आप कट कर सकते हैं। तो ये ओपन कर लिया है यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेमोरी कार्ड, ये कुछ इस तरीके से है। सॉरी, तो गाइस ये है हमारा मेमोरी कार्ड, ये सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। हाँ बस थोड़ा ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि ये A1 है तो उनमें चलेगा नहीं। तो कई फ़ोन होते हैं जो इतनी हाई स्पीड सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन अब तक के जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उन सब में चलेगा, चाहे वो 2-3 साल पुराना ही क्यों ना हो। ज़्यादा पुराना ना हो, ज़्यादा पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि मेरे एक दोस्त के पास मोटोरोला का है, वो काफ़ी पुराना फ़ोन है, तो उसके में कैसे मेमोरी कार्ड डल रखा है क्लास 10 का, तो वो सपोर्ट नहीं करता फ़ोन। तो ज़्यादा पुराना फ़ोन में ये नहीं चलेगा, उनके लिए मैं एक और अलग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओल्ड फोन्स लिख करके, तो आप वो वाला मेमोरी कार्ड वहाँ से परचेज कर सकते हैं। क्लास 10 मत खरीदना, जो क्लास 4 या क्लास 3 होते हैं उनको खरीदना। ये वाला जो मेमोरी कार्ड है ये थोड़े लेटेस्ट फ़ोनों के लिए है। तो बस अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये वाला मेमोरी कार्ड, चला के क्या दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ उसी में डालना है मेरे को। बाकी आपको ये सब पता तो चल ही गया होगा, इसके पीछे भी क्या लिखा है एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा, पता नहीं मेरी लाइट की वजह से। पीछे की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको क्या लिखा हुआ है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है और इसका नंबर दे रखा है। बाकी फ्रंट में ऐसे ही है, रेड और सिल्वर कलर का है ये। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मेमोरी कार्ड इतने सस्ते में आपको मिल रहा है पेटीएम पे, आप भी इसको खरीदिए और अपने स्टोरेज को बढ़ाइए और खूब आराम से अपने गेम्स, वीडियो, इन सबको एंजॉय कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखें।